नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी कुशल मंगल से होंगे। तो स्वागत है मेरी नई वीडियो में, और मैं आपको आज पानी देने का नया तरीका दिखाऊंगा कि मैं अपने पौधों में कैसे पानी देता हूं। इससे पहले मैं इस तरह के दो कैन अपने घर से और जहां मैंने पौधे लगा रखे हैं हिंडन नहर ग्रीन बेल्ट में, वहां पे पानी लगाने ले जाता था। तो इसमें मेरे को कम से कम चार बार मैं अपने घर से पानी लाता था और वहाँ पानी लगाता था। तो इसमें मेरे को कम से कम 40 मिनट लग जाते थे, लेकिन अब जो मैंने जुगाड़ किया है वो 20 मिनट में ही मैं अपने पौधों में पानी लगा देता हूँ। तो पहले आपको मैं अपनी पुरानी पद्धति दिखा दूँ कि मैं किस तरह से पानी लगाता हूँ। तो चलिए, इस तरह मुझे जाने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं वहाँ पहुँचने में, और 5 ही मिनट करीब मुझे जो है पानी लगाने में लगते हैं एक बार में। तो मैं ऐसे कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 बार पानी लगाने आता हूँ। तो देखिए, मैं पहुँच गया अपनी वही जगह जहाँ पे मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। मैंने करीब 25-30 पेड़ यहाँ लगा रखे हैं। तो मैं उनको सुबह पानी कैसे देता हूँ, तो इस तरह से मैं लाता हूँ और एक बोतल में, ये जो एक बोतल है ना, इसमें 3 पेड़ों को पानी देता हूँ मैं। तो एक पेड़ में करीब 1.5 लीटर पानी मैं देता हूँ। तो ये देखिए, एक पेड़, दो पेड़ और ये 3 पेड़। तो इसी तरह से मैं 4 बार आता हूँ। 4 बार मतलब 8 मैंने डिब्बे लाया, तो 8 या 24 पेड़ों को मैं पानी दे देता हूँ। और इसी तरह से ये देखिए कंच पापड़ी है, एक पेड़, दो पेड़ तीन पेड़। तो मैं 4 बार आता हूँ और 24 पेड़ों को पानी दे देता हूँ। लेकिन अब मैंने क्या करा है, अब मैं जो है ना हिंडन नहर है, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊंगा कि मैं वहाँ से पानी लाऊंगा और आपको कोशिश करूँगा कैसे, देखिए उससे मेरी बचत कैसे होगी समय की। तो आइए इधर चलते हैं। ये मेरी हिंडन नहर है और पानी फुलाफुल चल रहा है। तो मैं जो है, आप देखिए, ये थोड़ा सा आपको ना रिस्की है थोड़ा सा, लेकिन नहीं वो इसमें फिसल गया था ना, तो ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि पैर फिसला। तो ये नहर मेरी बहुत गहरी है यहाँ पे। क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे, और ये देखिए, ये पानी भर लिया मैंने। अब इसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। और ये बड़ा प्यारा नज़ारा है, आप जब इसको वैसे देखोगे ना तो बड़ा आनंद आता है मुझे देखने में। तो मैं जो है अब सोच रहा हूँ कि अब घर लेने जो पानी जाता था ना, वो पानी घर लेने नहीं जाऊँगा और यहीं से मैं भर लिया करूँगा। तो देखिए, जैसे ये देखिए, दो कर ली मैंने, और आराम से उठ के ऐसे आ जाओ, ऐसे करके ऐसे आ जाओ, दिखाओ, ऐसे आ जाओ, और इसको यहाँ रख के ऐसे करके, और ये 2 मिनट का काम है। तो आपने देखा, मैं हिंडन नहर से पानी लाया, और इससे मैं क्या करूंगा मालूम है, और इससे मैं सिर्फ
एक डिब्बे से दो पेड़ों में पानी दूंगा। जैसे ये देखिए, इससे क्या है पानी की मात्रा ही बढ़ जाएगी पौधे वाइज और मेरा समय भी बचेगा। तो इस काम को मैं अब रेगुलर करूंगा। और मेरी छोटी बिटिया बोल रही है कि पापा ये तो बहुत रिस्की है, ऐसा ना करा करो। अरे बेटा, जिंदगी में रिस्क लेना तो पड़ेगा ही, हर चीज में रिस्क लेते हैं। तो अपने पेड़ पौधों की सेवा में थोड़ा बहुत रिस्क ले भी लिया तो क्या है, जिंदगी है, चलती रहेगी। इसीलिए ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, मैंने एक में लगा दिया और ये देखिए पीपल का पेड़ है, काफी बड़ा मेरे बराबर हो गया है और इस बरसात में ये भी काफी बड़ा हो जाएगा। आशा है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ और मुझे इस काम में बहुत आनंद आता है। और मुझे आशा है कि आप लोग भी कम से कम एक एक पेड़ जरूर लगाएंगे और उसकी सेवा जी जान से करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई उमंग नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।